और रायपुर में नवरात्रि के आगमन पर भी कुम्हारों के जीवन में कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है। कोरोना के कारण अब भी लोग खरीदारी के लिए नहीं निकल रहे हैं, जिससे कर्ज में डूबे कुम्हारों की हालत खस्ता हो गई है। स्थानीय कुम्हारों का कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने कर्ज लेकर मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, पर अब गुजारा करने के लिए मजदूरी भी करनी पड़ रही है। कुम्हार श्यामबाई चक्रधारी ने बताया कि इस बार 1,000 कलश बनाए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 2-4 कलश ही बिक पाए हैं। केवल 2 मंदिरों के ऑर्डर आए हैं। लीलाबाई चक्रधारी ने बताया कि अब तक कोई बिक्री नहीं हुई है, और घीवर चक्रधारी ने बताया कि कोरोना के पहले 15 से 20 हजार तक के कलश की बिक्री होती थी, और अब माता से दुआ करते हैं कि इस बार हमारे माल की बिक्री हो जाए। 1,000 फीस बने हैं, फिर अभी तो बिक्री उक्री अभी तो नहीं है। आधा पोती निकल ही ना, आदेश दी तब फिर वह बिक ही वो थोड़ा बहुत 200-400 अपन हो जाते। इसे खुला रहा है ना तो पूरा बिक जाए, 1,000 कला सब चल दे मंदिर मन में। आए लॉकडाउन खोहे हो इसना तो अगले है में तो एक जलबे नहीं करी सो। अभी कहाँ बिक्री 1,000 भरते 500-600, अब कहाँ बिक्री। कोरोना के मारे कौन है सबके यहाँ लॉकडाउन है तो कहाँ पैसा पाए। चैत्य कलश बना तो कलश सब पर है गंजा, अब अभी बरको जानी लेगी का नहीं लेगी तो पता नहीं है। कोरोना के आए ले ये जो अभी नवरात्रि है वाला चैत वाला वो पूरा बंद हो गए, पूरा कर्जा में अभी हावे वो लाभ माल है सब डाउन डाउन पड़े है। अब इधर ही अब माता जी से क्या है हमें विनती है कि भाई हमारे माल निकाल दे। कोरोना काल